बड़ी देवकाली मंदिर जो कि अयोध्या में स्थित है, चैत्र नवरात्रि के दौरान भक्तों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। माता काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के रूप में तीनों देवियों की उपस्थिति इस मंदिर को और भी पवित्र बनाती है। इस मंदिर का इतिहास प्रभु राम और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है, जिससे इसकी धार्मिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। नवरात्र के अवसर पर बड़ी देव काली मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जो दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन और पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और उनका मन शांति से भर जाता है। जो भी आप मांगते हैं आपकी मुरादें पूरी होती हैं। श्री राम जी की कुल देवी हैं देव काली माता जी। इस बार क्या ऐसा खास है जो खुशियां दोगुनी कर दे रहा है? इस बार कुछ नहीं तो बहुत ज्यादा कुछ खास है, क्योंकि जो हमारे प्रभु श्री राम जी हैं ये टेंट से अब की अपने महलों में आ गए हैं। हाँ, तो इस समय इस हम समझ लीजिए 2081 में हमारे नववर्ष चल रहा है। सनातन धर्म ही जो है सर्वोच्च चल रहा है, इसलिए अब की बहुत भव्य तरीके से रामनवमी मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर बड़ी देव काली मंदिर भक्तों के लिए एक विशेष स्थान बन जाता है, जहां वे माता रानी की आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहते हैं माता केकई द्वारा भगवान श्री राम और उनके भाइयों को बड़ी देव काली मंदिर में लाकर पूजन कराने की परंपरा रही है। यह मंदिर प्रभु राम की कुल देवी के रूप में भी पूजा जाता है। पहले तो ये राम भगवान की कुल देवी हैं और इसका मंदिर का निर्माण रघुराम जी ने ही करवाया है, और इस साल इसलिए बहुत मानता तो बहुत है माता जी का बहुत, लेकिन इस बार श्रद्धालु हमारे बड़े हुए राम मंदिर के बनने से। जैसे कि हमारे राम भगवान से ही कनेक्शन है, राम जी की कुल देवी हैं, तो राम मंदिर के बनने से श्रद्धालु और भी आए हैं और श्रद्धा भी लोगों में बहुत बढ़ी है। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या में भारी इजाफा होता है और मंदिर पूजा अर्चना और भक्ति की भावना से ओतप्रोत हो उठता है। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता भक्तों को एक अलग ही अनुभव प्रदान करती है। लोकल 18 अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।